नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। वक्त हो चला है अब तक की मुख्य खबरों पर एक नजर डालने का। शुरू करते हैं पहली खास खबर से। साल 2018 में उधम सिंह नगर के सर्वेश्वर कॉलोनी में अपर्णा हत्याकांड के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 5,000 का अर्थदंड भी सुनाया गया है। कल देहरादून से पिथौरागढ़ आ रही रोडवेज बस का घाट से आगे शिवपुरी के पास ब्रेक फेल हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। बता दें कि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे बनी नाली में डालकर बस को रोक दिया, नहीं तो कल एक बड़ा हादसा हो सकता था। अयोध्या जंक्शन में मनकापुर से अयोध्या आने वाली पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में बेहोशी की हालत में एक महिला हेड कांस्टेबल जीआरपी पुलिस को मिली है। वहीं महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान के साथ साथ कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। ऐसे में उनके साथ दुष्कर्म होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल जीआरपी पुलिस इस मामले की कार्रवाई में लगी हुई है। उत्तराखंड में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही भारी बारिश से हुई क्षति को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। अभी तक के आकलन के अनुसार प्रदेश में आपदा से 1335 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 323 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, लेकिन शेष 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां बाराही धाम में लगने वाला प्रसिद्ध बगवाल मेला का प्रतिबंध किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की है। एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने वालों को भी बड़ी राहत दी है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट आज से कम कर दिए गए हैं। दिल्ली में 157 रुपये कम होकर अब कॉमर्शियल सिलेंडर 1522 रुपये का हो गया है। आज यानी कि 1 सितंबर से ये रेट लागू है। हरिद्वार जिले के लक्सर में रक्षाबंधन पर एक अजीब मामला देखने को मिला है। यहाँ पति से झगड़ा कर महिला रेल की पटरी पर बैठ गई। दरअसल महिला का कहना है कि वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए हरिद्वार जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे नहीं ले जा रहा था, इसीलिए गुस्से में उसने ये कदम उठाया। महिला को पटरी पर बैठा देख पुलिस को हरकत में आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने महिला को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर रेल की पटरी से हटाया है। उत्तराखंड कैडर के 6 सीनियर पीसीएस अधिकारियों का आईएएस रैंक में प्रमोशन हो गया है। केंद्र सरकार ने अंडर सेक्रेटरी पंकज कुमार ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश का जारी किया। कभी भाजपा के माननीय मंत्री रहे और मौजूदा कांग्रेस के सम्मानित वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने विजिलेंस की टीम द्वारा मारे गए छापे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार ये सब जानबूझ के कर रही है। साथ ही हरक ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी जमकर निशाना साधा है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलने की खबरों पर बीते दिनों जिस तरह की अटकलें लग रही थी वो अब सही साबित हुई है। बता दें आपको कि 31 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की घोषणा की है, जहां अब अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक कपड़े की फैक्ट्री पर आग लगने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इस इमारत का इस्तेमाल टी शर्ट प्रिंटिंग व्यवसाय के लिए गोदाम और श्रमिकों के आवास के रूप में किया जाता था। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को आग की चपटों में आकर 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तेलंगाना राज्य एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को हैदराबाद में एक रेव पार्टी पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी में एक टॉलीवुड फिल्म का फाइनेंसर भी रहा। बता दें वो अपने परिचित दोस्तों के लिए ड्रग पार्टियों का आयोजन कर रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आत्मघाती बम विस्फोट की घटना सामने आई है। इसमें पाक सेना के 9 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 17 से ज़्यादा सिपाही घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था। उसने खैबर पख्तूनख्वा के माली खेल इलाके में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला करके बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।